गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन एग्जाम्पल टू। जैसा कि एग्जाम्पल फर्स्ट में हमने देखा किस तरह से वाइट ब्लैक को अपने ट्रैप में फंसाता है, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल टू में ब्लैक वाइट को कैसे अपने ट्रैप में फंसाता है। इस एग्जाम्पल में ब्लैक व्हाइट को पहले तो अपना क्वीन देता है, फिर व्हाइट के दो अतिरिक्त पॉन लेता है। ऐसे ट्रैप में चेस के ज्यादातर नए प्लेयर फंस जाते हैं। आइए गेम स्टार्ट करते हैं। d4 ब्लैक खेलता है, d5, c4, e6, नाइट c3, ब्लैक खेलता है नाइट f6, अब व्हाइट खेलता है बिशप f4, इस पॉन पर अटैक बना रहा है। नाइट ये भी खेल सकता है व्हाइट b5, इस पॉन पर अटैक के साथ साथ व्हाइट ये ओपन डायगोनल इस पे कैप्चर भी कर रहे हैं। ब्लैक खेलते हैं c5 पॉन को, अब व्हाइट खेलता है b5 नाइट को, बैड मूव है ये। इससे बेटर मूव व्हाइट के पास e3 एंड नाइट f3 खेल सकता था व्हाइट, अपने पीस को डेवलप करता, लेकिन अभी खेल रहा है व्हाइट b5। ब्लैक खेलता है c(d4), पॉन कैप्चर करता है। अब व्हाइट खेलता है c7 चेक एंड हाथी पे अटैक। अब ब्लैक खेलता है queen(knight) bishop(queen). ब्लैक अपने क्वीन को फ्री में दे रहा है व्हाइट को। अब ब्लैक खेलता है bishop(b4) चेक। अब व्हाइट के पास चेक बचने के लिए एक ही मूव है, queen(d2) bishop(queen) king(bishop). d5(c4). ये पोजीशन ब्लैक की विनिंग पोजीशन है। ब्लैक के पास दो सेंटर में कनेक्टेड पॉन है, व्हाइट का किंग सेंटर में है। ब्लैक दो अतिरिक्त पॉन प्लस है, तो ये ब्लैक की विनिंग पोजीशन है। यह है आपका क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड एग्जाम्पल 2।